लेगहॉर्न मुर्गी 365 दिन अंडा देती है। सबसे ज्यादा अंडा कौन देती है? लेगा। और हमारे यहाँ की मुर्गी 15 दिन अंडा देके ना वो ब्रेकअप कर लेगी और कुड़ूक हो जाएगी और को करते रहेगी। इतना ही तो 15 दिन अंडा दिए, 15 दिन तेरा ब्रेकअप रहता है समझ। अरे वो वाला मुर्गी हिंदी मीडियम वाली है जो सफेद का सीबीएसई वाले होते हैं, नहीं ये तो कोनो काम का नहीं है सब, ये सब तो चलियो नहीं पाता सर। डेनमार्क की एक गाय है जिसका नाम है होल्स्टीन, 100 लीटर दूध देती है। कितना लीटर? 100 लीटर दूध देती है। जब भी गाय के दूध की क्षमता बोला जाता है तो दोनों टाइम मिला के बोला जाता है। अगर कोई कहता है कि उनकी गाय 15 लीटर दूध देती है तो वो दोनों टाइम मिला के बोल रहा है कि सुबह में देती होगी 9 लीटर, शाम में देती होगी 7। सुबह में ज़्यादा दूध देती है क्योंकि रात भर में ज़्यादा कलेक्ट रहता है, रेस्ट की रहती है रात में। यहाँ की गाय कितना दूध देती है? 100। मशीन से दुहाता है, हाथ से दुहेगा तो एक ले जाके प्लास्टर कराना पड़ेगा। बहुत मेहनत लगता है गाय धोने में। आप लोग में जो गाय धुए होंगे उसे जो नसुए चढ़ जाता है यहाँ पे, और बार बार गाय जिससे धुआ जाता है उसी से धोना चाहिए। बार बार हाथ बदलिएगा ना तो उसकी दूध की क्षमता क्या हो जाती है? घट जाती है। 100 लीटर दूध देती है होल्स्टीन। लेकिन भारत में अगर होल्स्टीन गाय को रखिएगा तो पागल हो जाएगी, उसको एसी में रखना पड़ेगा। सारा गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया? तो भारत में क्या किया गया, हमारे यहाँ एक गाय है फिजिशियन, बहुत कम बीमार पड़ती है फिजिशियन गाय। ये गर्मी क्षमता इसकी अच्छी होती है, किसी भी मौसम में क्या करती है? सरवाइव कर जाती है। तो क्रॉस करा दिया गया। क्या कराया गया? क्रॉस। होल्स्टीन गाय जो थी, होल्स्टीन गाय जो इसका सांड जो था और फिजिशियन का गाय, इससे जो क्रॉस होकर जो मतलब गाय जो जन्म लेगी उसमें होल्स्टीन का भी गुण होगा और फिजिशियन का, तो वो हो गई क्या चीज? HF। अब ये भारत में सर्वाइव कर जाती है, तो HF गाय भारत में सर्वाइव कर जाएगी। बस उसको कूलर चाहिए, तो कूलर तो एक नॉर्मल चीज है, ये कूलर ना महंगा आएगा। गाय भैंस का कूलर बहुत सस्ता आता है, उसका अलग होता है हई लगाई क्या। गाय भैंस के कूलर को फॉगर कहते हैं, एक नॉर्मल सा पंखा रहता है और उसके पीछे एक तो फुहारा रहता है, वो पानी को फुहारा बना देता है और पंखवा खींच के फेंक देता है, खत्म कहानी। अब हई वाला कूलर लगाइएगा, ओके सिंह खजुआएगा तो यही पे खजुआ देगी। रात कर देंगे अद्दू को मार करेगी जो कूलर है उकात के पहने। उन लोग का सस्ता आता है, फॉगर बोलते हैं उसे, फॉगर बोला जाता है वहाँ पे। तो उन लोग को बस एक कूलर चाहिए, अब क्या लगा दीजिए फॉगर, आराम से सरवाइव कर जाएगी। और भारत में यह देती है 50 से 60 लीटर दूध, तो बहुत अच्छा है। जब भी गाय के दूध की क्षमता बोला जाता है ना, सुबह शाम मिला के ही बोला जाता है, एक टाइम का कभी नहीं बोला जाता है। कोई भी अगर बोल रहा है कि अगर आप मेला में गए या गाय खरीदने गए कर रहा है 20 लीटर, तो ये मत सोच लीजिएगा कि एक टाइम में 20 लीटर, दो टाइम में, उसका दोनों टाइम मिला के कितना देता है? कहाँ पे पाई जाती है ये? कहाँ पर? डेनमार्क। कहाँ पर? डेनमार्क की एक मुर्गी होती है लेगहॉर्न मुर्गी, 365 दिन अंडा देती है। सबसे ज्यादा अंडा कौन देती है? लेगा। और हमारे यहाँ की मुर्गी 15 दिन अंडा देके ना वो ब्रेकअप कर लेगी और कुड़ूक हो जाएगी और को करते रहेगी। इतना ही तो 15 दिन अंडा दिए, 15 दिन तेरा ब्रेकअप रहता है समझ में कि नहीं। अब 15 दिन वो अंडवा वापस मांगती है, लाओ उनमें से हम अंडा में से निकालेंगे चूजा। अब तो चूजे निकाल देगी तो लोग अंडा कहाँ से खाएगा? देखिए ना को कैले रहेगी, घुसिया ले रहेगी, यहाँ 15-20 दिन घुसिया जाएगी फिर मान जाएगी। कुड़ूक बोलते हैं लोग देहात में उसको, नहीं समझा? कुड़ूक हो गई। देहात में मुर्गी नहीं देखा है? अरे वो वाला मुर्गी है हिंदी मीडियम वाली है जो सफेद का सीबीएसई वाले होते हैं, सो नहीं ये तो कोनो काम का नहीं है सब, ये सब तो चलियो नहीं पाता सर। ये सीबीएसई वाला नहीं जो सफेद का रहता है, पूरा वो उस सबको फेंक दीजिएगा बाहर ना कि भाग जाओ। कहेगा नहीं हमको काटने के लिए ना खरीद के लाया है, काटो काटो हमको काटो।
इसी, हाँ देसी मुर्गी जो हिंदी मीडियम वाली होती, कुछ ये छत पे से और छत पे चल जाएगी कोको कोको करते हुए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हम एक बार आज से 15-16 साल पहले हम ना बहुत शौक था मुर्गा खरीदने, तो दो ठो मुर्गा खरीद के लाए थे, बड़ा सुंदर था सब और बहुत सही, मोहल्ला में एगो नया मुर्गी आई ओके चक्कर में दोनों मार कर लिया सब। और अपने में ना ये पूरा गर्दन का बाल फुला के लड़ते था सब, कहीं मार कर लिया सब, हमरा वाला हो लोग। अब मुर्गी को टेंशन ही नहीं था। मुर्गी टेंशन फ्री, लो लोग मुर्गा का कमी है जो। और दोनों काट काट के एक दूसरे को मार दिया सब, एक तो एक मारा, एक अगले हफ्ते एक आध हफ्ते मारा, इतना दोनों एक दूसरे को काट लिया सब वो मुर्गी के चक्कर में, और ओकरा चक्कर में बहुते मुर्गा मर गया सब। बाद में हम लोग मुर्गी को दूसरे मोहल्ला में दे दिल, एकरा चक्कर में सब मुर्गा मर जाएगा। सबसे ज्यादा अंडा देने वाली मुर्गी लेग हॉर्न, कौन जाए लेग हॉर्न, समझ आ गई नहीं। और सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय होल्स्टीन, और भारत में उसको क्रॉस करा के एचएफ होल्स्टीन फिजिशियन एचएफ गाय, सबसे ज्यादा भारत में भी कौन देती है एचएफ, तो एचएफ गाय वगैरह ज्यादा होती है। चलिए अब आगे का क्लास कल करेंगे।